तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे EVSC क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो इस स्टोरी को ध्यान से समझेंगे हम। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक इंट्रोडक्शन से। आई एम आर्या नाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, डू यू नो व्हाट। तो आर्या नाथ कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो और कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या आपको वो पता है क्या हो सकता है वो? आई कैन प्ले द बीन, तो वो कहता है कि मैं बीन को बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, तो वो कहता मैं बीन बजा के सांपों को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास, तो उसने बोला कि हम लोग जो कि अपने परिवार में से इसी चीज़ के लिए मशहूर हैं कि हम सांपों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको नचा सकते हैं अपनी बीन की धुन पर, तो हमें कालबेलियास कहा जाता है। My grandfather Roushan Nath was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. तो poisonous मतलब जहरीले सांपों को भी वो पकड़ सकते थे। वो अपने दादाजी की बात कर रहा है जिनका नाम था Roushan Nath. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. तो अब हम बात करेंगे कालबेलियास, ये एक कालबेलिया की जिनका नाम है Roushan Nath जी और उनकी कहानियाँ। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं नाग गुम्फन। तो नाग गुम्फन क्या है? ये जो सारा येलो कलर का एक डायग्राम बना हुआ है स्नेक्स का, तो इसको नाग गुम्फन बोला जाता है। ये एक्चुअली है क्या? डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड्स आर यूज्ड इन रंगोली, रंगोली में बनाने के लिए सपेरे लोग इस्तेमाल करते हैं, एम्ब्रॉयडरी में। तो ये चीज़ आप कॉमनली कहाँ पे देख सकते हो? डेकोरेशंस में देख सकते हो। किस एरिया में? गुजरात, साउथ इंडिया या सौराष्ट्र एरिया में आपको ये चीज़ दिखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सो दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि दादा परदादा के ज़माने की बात है। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज, स्नेक चार्मर्स, तो सपेरे को क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। तो बांस की एक टोकरियाँ होती हैं उनके पास, सपेरों के पास, उनके अंदर वो अपने सांपों को लेके एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, तो हम कभी किसी गांव में जब रुकते तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते। वी वुड हैव देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स, तो हम अपने पिटारों में से सांपों को निकाल लाते। Even after the show, people would stay on, तो लोग वहाँ पे रुक जाते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them, तो हम अपने जो स्नेक्स वाले पिटारों के साथ टिन बॉक्स भी लेके जाते थे, उसमें हम कुछ मेडिसिन्स रखते थे लोगों को देने के लिए। We made these medicines from plants collected from the forests, तो जैसे कि हम जंगलों गाँव में आते जाते रहते, तो हम जब जंगलों में जाते वहाँ से कुछ दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर लाते। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ, तो कुछ ऐसे रीजन्स में हम जाते थे जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते थे या हॉस्पिटल बहुत दूर होते थे, तो वहाँ के लोगों को हम दवाइयाँ देके उनका भला करते थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव्स अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, तो लोग हमें अनाज या फिर कुछ पैसे दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जीते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक, हाँ ये चीज़ तो बड़ी कॉमन है। तो हम सपेरों को कब बुलाते हैं? जब किसी सांप ने किसी को डस लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, तो जो सपेरे होते हैं वो जो डंक के निशान से ही पता कर लेते हैं कि कौन से तरह के सांप ने इसको डंक किया है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, हम मेडिसिन तो दे देते हैं पर हम हर समय नहीं पहुंच पाते उसी मौके पे जब किसी सांप ने किसी को डस लिया होता है। As you know, some snakes bites can even cause death on the spot. तो कुछ सांप तो इतने जहरीले होते हैं कि जो इंसान की मौत कर सकते हैं उसी समय जब सांप ने उस इंसान को डस लिया हो. बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस, ज़्यादातर बिना जहर के ही होते हैं. समटाइम्स वेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प, स्नैक स्नैक आई वुड कैच दैट स्नैक. तो उसके दादाजी बोलते हैं अगर कोई गांव में से कुछ किसान दौड़ के उनके पास आते थे चिल्लाते हुए कि सांप सांप, तो वो उस समय उस सांप को पकड़ के उनको बचाते थे. आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बिन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. तो अब ऑथर बताते हैं कि वो सांपों को अपने बचपन से पकड़ते आ रहे हैं. ओ दोज वर द गुड डेज, वो बड़े अच्छे दिन थे. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरीके से मदद करते थे. वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, हम उनको सांपों का नाच दिखाकर उनका मनपरचाव भी करते थे. इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. आज की तरह की बात नहीं है ये, क्योंकि आजकल तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं. व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर फॉट taught me how to remove their poisonous teeth. तो जो स्नेक के poisonous teeth होते हैं उनको बोलते हैं fangs. तो उसके फादर ने उसको सिखाया कि सांप के fangs कैसे निकालते हैं. He also taught to me how to close the tube of poison in the snake's mouth. तो जो सांप होते हैं उनके मुंह के अंदर एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब से जहर उनके दांतों में आता है. तो उसके पापा ने उसको ये भी सिखाया कि कैसे उस ट्यूब को बंद करना है. थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आपने कभी किसी को देखा बीन बजाते हुए, और देखा है तो कहाँ. हैव यू एवर सीन अ स्नेक, क्या आपने कभी असली सांप को भी देखा है, देखा है तो कहाँ. वर यू स्केयर्ड बाय इट, क्या आपको डर लगा था और क्यों. डू यू थिंक ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आपको लगता है कि सभी सांप पॉइजनस होते हैं. इन चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी. तो अपने पहले चैप्टर में तो यही पढ़ा था कि सांपों के तो कान नहीं होते, जो हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि सांपों के कोई कान नहीं होते हैं. कैन द स्नेक हेयर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स. तो सांप क्यों नाचता है वो जब बीन को सुन ही नहीं पाता, आपको क्या लगता है. तो चलिए देखते हैं आगे. वॉट कैन वी डू. Arya Nath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. तो Arya Nath उसको बोलता है तुम्हारे पापा मेरे साथ बचपन से चलते फिरते आ रहे हैं एंड उन्होंने बीन खुद अपने आप सीख ली. These days it is difficult. आजकल तो बहुत मुश्किल है. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. तो सरकार ने कानून बना दिया कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ के अपने पास नहीं रख सकता. सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस. तो कुछ लोग, ये क्यों बना दिया लॉ, क्योंकि कुछ लोग इन जानवरों को मार के उनकी चमड़ी यानी कि स्किन को बहुत ही महंगे दामों में बेच देते हैं. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. तो सरकार ने इसलिए एक लॉ बना दिया, एक कानून बना दिया ताकि ऐसे जंगली जानवरों के ऊपर अत्याचार ना हो, वो बच सकें. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड. तो अब जो सपेरे थे वो बोले अब हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन. अब हमने तो कभी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी हमने उनकी चमड़ी बेची. पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस. लोग बोलते हैं कि हम सांपों को बुरी कंडीशन में रखते हैं. इफ़ वी वॉन्टेड वी कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स. पर अगर हम चाहते तो हम सांपों को मार के बहुत पैसा कमा लेते. बट वी वुड नेवर डू दैट, हम ये कभी नहीं करेंगे. स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, सांप हमारा खजाना है. दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसे हम अपनी एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को देते हैं. वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. तो जो हमारी बेटियां हैं जब उनकी शादी हो जाती है हम उनको सांप देते हैं एज अ तोहफा. In our Kalbeliya dance, we also have movements similar to the dance of the snake. तो जो हमारा Kalbeliya dance होता है उसमें हम सांपों की तरह ही हिलते नज़र आते हैं. Arya Nath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. तो Arya Nath को बीन बजाना आता है पर उसको अपना जीवन चलाने के लिए अलग तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा. You and your cousins can form a bean party and entertain people. तो उसने बोला bean party बनाओ, लोगों का मन प्रचाव करो. But do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. तो ये बच्चों को बताओ बातें. तो ये आप इमेज के अंदर क्या देख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सबने पकड़े हुए हैं, हाथों में बीन पकड़ी हुई है और ये बीन बजाते हैं. तो और कौन से यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए आपके इनके पास है बीन, फिर तुम्बा भी है, खंजरी भी है और एक के पास यहाँ पे ढोल भी है, ये पीछे नज़र आ रहा है. एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम द ड्राइड गॉर्ड. लौकी, लौकी जो एक सब्ज़ी है उसको सुखाने के बाद उससे बनाए जाते हैं ये सारे इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. टेल देम that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि जो जहरीले सांप हैं वो कैसे होते हैं. तो राइट साइड पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कालबेलिया डांस. Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the field. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांप लोगों को, खासकर किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं. वो उनके खेतों के अंदर जो रैट यानी कि बड़े बड़े चूहे होते हैं उनको पकड़ के खा जाते हैं, नहीं तो वो रैट क्या करते हैं, वो उनकी फसल को खा जाते हैं. तो इसी तरह किसानों की मदद हो जाती है. नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन. अब आ गया हमारे पास राइट सेक्शन. हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल. हाँ, कुछ एग्जांपल्स तो हैं जैसे कि सर्कस में या सड़क पर आपने कभी मंकी शो देखा होगा या फिर पार्क के अंदर आपने कभी कोई और एनिमल शो देखा होगा. व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं. विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने किस जानवर का शो देखा था. हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, क्या वो एनिमल्स को मारते हैं या फिर उनको कुछ देते हैं खाने के लिए या फिर उनको कोई आवाज़ सुना के नचाते हैं. वॉज एनी वन टीजिंग द एनिमल्स, क्या वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे या कर रहे थे, तो कैसे. वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, तो आपके मन में क्या विचार आए जब आपने उस एनिमल शो को देखा. सो अब आपने इमेजिन करना है दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, आप इस शेर की तरह एक एनिमल हो जो कि एक पिंजरे में बंद है. थिंक हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा. को सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है. आई एम अफ्रेड व्हेन, आपको डर लगता है कि जब, या फिर आई विश कि मैं यहाँ से बाहर होता. आई एम सैड व्हेन, मैं बहुत उदास हूँ जब मैं केज के अंदर बंद हूँ. इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे चांस लगे तो मैं क्या करूँ. आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल वेन, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब मेरे साथ ये व्यवहार होता है. तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री. यहाँ इंडिया की बात हो रही है. ओनली 4 टाइप्स ऑफ द स्नैक्स आर पॉइजनस. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया इस चैप्टर का. तो कौन से स्नैक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस हैं. दे आर कोबरा, नंबर 1 कोबरा, नंबर 2 कॉमन क्रेट, नंबर 3 रसल्स वाइपर या डुबोइया, इसको डुबोइया भी बोलते हैं. नंबर 3 पे है रसल वाइपर और नंबर 4 पे है सॉ-स्केल्ड वाइपर, तो अफसाए बोलते हैं इसको, अफसाए. तो स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ, इनके जो दांत होते हैं ना वो हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, उनको फैंग्स बोलते हैं. व्हेन इट बाइट, जब सांप काटता है, द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स. तो जो पॉइजन होता है सांप के सर के अंदर एक बैग में होता है, वो बैग गुस्से से वो प्रेस करता है और उसके थ्रू फैंग्स के अंदर वो पॉइजन आ जाता है और जो फैंग्स होते हैं वो किसी इंसान या किसी जानवर के अंदर, शरीर के अंदर घुसे होते हैं तो पॉइजन डायरेक्टली उनके अंदर चला जाता है. देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट। तो अब डरने की बात नहीं है, स्नैक बाइट के लिए एक मेडिसिन भी है। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन। ओह देखो कितनी आश्चर्य की बात है, इसको हम इंग्लिश में एंटीडोट भी बोलते हैं। तो एंटीडोट होते हैं जो किसी जानवर के या किसी प्लांट को यूज़ करने के बाद किसी बीमारी का तोड़ बनाते हैं। तो इस सांप की जो मेडिसिन है वो स्नैक के पॉइजन से ही बनती है और ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सब स्पीशीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। जो चार पॉइजनस के स्नैक्स की टाइप इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो है कोबरा, डुबोइया, क्रैट एंड अफाय। तो यहाँ पे आपने डुबोइया और अफाय का दूसरा नाम भी याद रखना है, दैट इज़ रसल्स वाइपर एंड सॉ-स्केल्ड वाइपर। लाइक स्नैक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो सांप सपेरों के अलावा और कौन लोग हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? किसान भी डिपेंड करते हैं, जैसे क्योंकि वो बैल को यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए, या फिर आप और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप खुद मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्वे है, टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड। आस पड़ोस में कुछ लोगों से बात करें, हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। अब यहाँ पे एनिमल्स एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लाइवलीहुड के लिए, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए या वैसे जो एनिमल्स रखे जाते हैं उसमें तो कैट भी आती है, डॉग भी आता है, पर लाइवलीहुड के लिए मतलब वो अपना जीवन को चलाने के लिए, जैसे हॉर्स टांगा चलाने के लिए घोड़ा रखा जाता है, हैन एग्स के लिए हैन रखा जाता है। तो आप कुछ यहाँ पे एनिमल्स के बारे में लिखोगे। नेम द एनिमल्स दे कीप। कौन से एनिमल्स घर पे रखते हैं? बफेलो रखते हैं, काओ रखते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर। तो आपके अड़ोस पड़ोस में कितने एनिमल्स हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। इज़ देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल। क्या आपने सेपरेट प्लेस देखी या फिर वो घर के अंदर ही घूम रहे हैं? तो ये सेक्शन के बाद अगले क्वेश्चन हमारे पास आगे, हु लुक्स आफ्टर दैम। उनकी देखभाल कौन करता है? What do the animals eat? वो क्या खाते हैं? Do the animals ever fall ill? क्या वो जानवर कभी बीमार होते हैं? What does the keeper do? तो ध्यान रखने वाला जो पर्सन है वो कीपर, वो क्या करता है अगर वो बीमार हो जाते हैं? Make some more questions and discuss. Make a report on your project and read it out in the class. So यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी आ गई है, आपने बनाना है एक स्नेक पपेट। Take an old pair of socks. एक पुरानी सॉक्स ले लें। Put one on your arm. एक अपने हाथ पे चढ़ा लें। Stick buttons और बिंदीज for the eyes. तो आईज बनाने के लिए आप बटन्स को यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर बिंदी लगा सकते हैं। Cut out along the red strip of the paper for using it as a tongue. एक लाल रंग का पेपर पीस यहाँ पे टंग की तरह यूज़ करें। Now on the other side of the paper make a V-shaped cut. दूसरी साइड पे V-shaped cut बनाएं। एंड योर स्नैक इज़ रेडी। तो ये आपने बना लिया स्नैक पपेट, जिसको आप अपने हाथ पे लगा के दूसरों को डरा सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या लर्न किया? द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स। तो एक लॉ बना दिया सरकार ने, कानून बना दिया कि कोई भी स्नैक्स को पकड़ नहीं सकता और उनको अपने साथ नहीं रख सकता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? आपके क्या विचार हैं? गिव अप रीजंस इन योर आंसर्स एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।